संजय दत्त जेल से बाहर आकर फिर काम में जुट गए हैं, लेकिन उनके काम पर फिर से लग सकता है ब्रेक। जी हां, संजू बाबा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। उनकी जेल से रिहाई पर पड़ गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की नज़र। कोर्ट ने पूछा है महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त की रिहाई पर सवाल। महाराष्ट्र सरकार बताएगी क्यों जल्दी रिहा हुए संजय दत्त। दरअसल संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के अपराध में 5 साल की जेल हुई थी। मामला संगीन इसलिए था क्योंकि हथियार उस खेप का हिस्सा थे जिनका इस्तेमाल मुंबई को दहलाने के लिए 1993 में दाऊद इब्राहिम गैंग ने किया था। लंबे वक्त से चले आ रहे केस में संजय दत्त जमानत पर थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी माना, वैसे ही मई 2013 में संजय दत्त ने सरेंडर कर दिया। उन्हें पुणे की यरवदा जेल में 5 साल काटने के लिए भेजा गया। चारों तरफ हंगामा बरपा था। जेल से कभी कभार संजय दत्त की दाढ़ी बड़ी हुई फोटो बाहर आती थी। बताया गया कि संजय दत्त जेल में बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं और आखिरकार सजा पूरी होने से 8 महीने पहले ही उन्हें इसी आधार पर रिहा भी कर दिया गया था। फरवरी 2016 में जेल से बाहर आने पर संजय दत्त का जोर शोर से स्वागत हुआ, लेकिन इसी बीच पुणे के प्रदीप भालेकर ने उनको बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर कर दी। अब उसकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब तलब किया है। पूछा गया है कि संजय दत्त पर सरकार ने जो नरमी बरती है उसका आधार क्या है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या इस मामले में DIG जेल से सलाह ली गई थी या फिर जेल अधीक्षक ने सीधे ही संजय पर रहम की सिफारिश गवर्नर को भेज दी। आगे ये भी पूछा गया है कि ये कैसे मालूम हो सका कि संजय दत्त का आचरण अच्छा था, और जब संजय दत्त आधे वक्त जेल में रहे ही नहीं तो फिर कैसे अधिकारियों ने इतने कम वक्त में उन्हें लेकर कोई राय बना ली। सरकार को जवाब देना है और मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जाहिर है कि सरकार को जवाब सोच समझ कर देना होगा, वरना मुसीबत संजय दत्त के लिए खड़ी हो जाएगी। इंडिया न्यूज़ बाली की रिपोर्ट।